गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट. ओपन द टेक्सटबुक पेज नंबर 71. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू कंसेप्ट मल्टीपल्स. नाउ वी विल सी व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल्स. द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फाउंड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर विथ एनी काउंटिंग नंबर. सो कोई भी काउंटिंग नंबर्स मीन्स क्या, कोई भी नंबर के साथ वो जो नंबर दिया होता है जिसका हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है उसका प्रोडक्ट मीन्स उसका मल्टीपल होता है. इन अ रेसिडेंशियल कॉलोनी ऑल द हाउसेज आर नंबर्ड. एक रेसिडेंशियल कॉलोनी है उसमें हाउसेज को नंबर्स दिए गए हैं 2, 4, 6 अप टू 100 तक. ओके, सो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6. वी कैन सी दैट ईच हाउस नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 विद द काउंटिंग नंबर. अगर हम अच्छे से देखें तो हर एक हाउस का नंबर 2 के साथ अगर काउंटिंग कोई भी नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं काउंटिंग नंबर का तो वो उसका प्रोडक्ट आता है. दस दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2. तो इनको क्या बोलते हैं, 2 का मल्टीपल. ओके, 2 × 1 किया तो 2 का मल्टीपल मिलता है, 2 × 4 किया तो भी 2 का मल्टीपल मिलेगा, 8 2 × 2 किया तो 2 का मल्टीपल मिलेगा 4. ओके, ऐसे. इन अनदर रेसिडेंशियल कॉलोनी ऑल द हाउसेज नंबर फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न. अब अनदर रेसिडेंशियल कॉलोनी के हाउसेज के नंबर्स दिए हैं 5, 10, 15. ओके, सो 5, 10, 15 आर द मल्टीपल्स ऑफ 5. क्यों? क्योंकि 5 × 1 किया तो 5 मिलता है, 5 × 2 किया तो 10 मिलता है, 5 × 3 किया तो 15 मिलता है. ऐसे वी कैन सी दैट ईच हाउस नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 विद द काउंटिंग नंबर. दस दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 5. अब देखो 3 के मल्टीपल्स क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, 8, 12, 16 and 20 आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, 12, 18, 24 and 30 आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6. ओके, नोट दैट देयर आर काउंटलेस मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर. जो नंबर दिया होता है उसके बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. सपोज हमें 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं, 3 × 1 किया 3, ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 × 2 किया तो 6, ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 × 100 किया 300, ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 × कोई भी काउंटिंग नंबर आप लो, 25 किया तो 75, ये 75 भी 3 का मल्टीपल है. ओके, अगर आप वो नंबर को कोई भी काउंटिंग नंबर से ये करते हो उसके मल्टीपल्स में जाते हो तो सिंपल चीज़ आपको बताती हूँ. मल्टीपल्स मीन्स क्या, वो नंबर का टेबल. क्या वो नंबर का टेबल, इतने आप में ध्यान में रखने, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 4, 8, 12 है ना, उस नंबर का टेबल ध्यान में रखो, आपको 10 मल्टीपल्स उसके पहले मिल जाएंगे. अगर उसके आगे आपको मिलने हैं सपोज 40 तक 4 के मल्टीपल्स है, यहाँ तक तो आपको टेबल लर्न है तो आपको ये मल्टीपल्स मिल गए. अगर आपको और मल्टीपल चाहिए 40 के आगे तो 4 × 11 करो 44 हो जाएगा, देन 4 × 12 करो 48 हो जाएगा, है ना. सो ऐसे मल्टीपल्स आपको मिलते जाते हैं तो इनको मल्टीपल्स बोलते हैं. नोट दैट देयर आर काउंटलेस मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर, ये हमने देख लिया. अब देखो कॉमन मल्टीपल मीन्स क्या, कॉमन मल्टीपल्स मीन्स सेम, जैसे कि हमने फैक्टर्स में देखा था. अब देखो मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल आप कैसे लिखोगे, डायरेक्टली 4 का टेबल लिख दो. 6 के मल्टीपल्स आप कैसे लिखोगे, 6 का टेबल लिख दो. ओके, और यहाँ तक जितने कॉमन है उतने हम अभी देखते हैं. देन देखो यहाँ पे 12 सेम है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे भी 36 है. तो 12, 24 and 36 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6. अ नंबर इज सेड टू बी अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 or more नंबर्स इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर. अब देखो फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5. 2 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करने होंगे. तो मल्टीपल्स पहले हम लिखेंगे, मल्टीपल्स मीन्स क्या, टेबल ही लिख दो, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, तो डायरेक्टली हमारा टेबल तैयार हो जाता है. 20 तक लिखा, आगे कैसे लिखने हैं, 2 × 11 किया 22 आएगा, 2 × 12 किया 24 आएगा. अगर आपने 2 ऐड भी किए तो भी आपके मल्टीपल्स आपको मिल जाते हैं. देन 5 के मल्टीपल्स आप वैसे ही लिखोगे. तो हमें क्या करना है, इसमें कॉमन मल्टीपल देखने हैं. 10 कॉमन है, 20 कॉमन है, 30 कॉमन है. तो कितने मल्टीपल्स बोले थे, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. तो ये फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स है ये दोनों नंबर्स में, 10, 20 and 30. ओके, देन आगे दिया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स क्या, कॉमन मल्टीपल्स मीन्स आपको पता है सेम, सेम मल्टीपल कॉमन जो सेम होता है. अब देखो इसका पहला सेम वाला कौन सा आ रहा है, 72 आ रहा है ना. तो 72 इसका लीस्ट मीन्स क्या, छोटा, लोअर,
जो पहला मल्टीपल आपको कॉमन मिलेगा वही क्या होगा, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, मतलब छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। तो इसका एलसीएम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम, क्या बोलते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो पहले में आपको मिल जाएगा, दोनों में कॉमन, दोनों के मल्टीपल्स में कॉमन। तो इन दोनों का क्या आया है, 72 आया। ओके, सो अब इतना तो आपको समझ में आया है। देन ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ वी विल सॉल्व अवर एक्सरसाइज 5.4। राइट डाउन फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5, ऑल्सो सर्कल द कॉमन मल्टीपल्स। अब देखो हमें 4 और 5 के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट 10। अगर आपने उनका टेबल लिख दिया तो 10 मल्टीपल्स मिल जाते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 4, ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40, कितने मिले देखो, 4, 4, 8 और 10 मल्टीपल्स हमें मिल गए पहले वाले। अगर आपको आगे जाना है तो आप लिखोगे 44, 48 लाइक दैट, लेकिन हमें 10 ही बोले। ओके, देन मल्टीपल्स ऑफ 5, सो 5 का टेबल लिख दो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, देन 40, 45, 50, ओके? तो पहले 10 मल्टीपल्स हमें मिल गए। ओके, मल्टीपल्स मीन्स क्या, एक तो आप वो नंबर का टेबल लिख दो। ओके, पहले तो आपको पहले वाले 10 मल्टीपल्स उसके मिल जाएगी। उसके आगे अगर आपको जाना है तो 4 इंटू 11 करो, 44 हो जाएगा, 4 इंटू 12 करो, 4 इंटू 13 करो, 4 इंटू 14 करो, ऐसे आप कर सकते हो वो नंबर का कोई भी काउंटिंग नंबर के साथ का प्रोडक्ट, मीन्स उसका मल्टीपल। और अगर आपने इसमें 4 ऐड करते भी आगे आप चले गए तो भी चलेगा। अब इसमें हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है क्या, नहीं, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे है क्या, नहीं, 12 है यहाँ पे, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे 20 है, इधर है क्या, यस। तो हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया, मतलब ये एलसीएम मिल गया, एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहला वाला जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिला हमें। देन 24 यहाँ पे नहीं है, 28 नहीं है, 32 है क्या, नहीं, 36 भी नहीं है, आगे जाके हमें मिल रहा है 40। सो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी 40 है। ओके, तो हमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से मिले, इसमें 2 कॉमन मल्टीपल्स मिले। पहले 10 मल्टीपल्स में 4 और 5 के कौन से 20 और 40, तो इसमें से एलसीएम क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, छोटा वाला कॉमन 20 है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल था। देन नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन मल्टीपल्स इफ एनी। अब देखो ये जो नंबर्स दिए हैं उनके पहले 5 मल्टीपल्स आप लिखो, मतलब 5 तक उनका टेबल लिख दो। अभी ए वाला है 4 एंड 2 का, 4 और 2, देन 4 के पहले 5 मल्टीपल्स कौन से आए, 4 इंटू 1, 4 भी आएगा, देन 8, ये पहले 5 आ गए, देन 2 के ये आ गए। ओके, और कॉमन कौन से उसमें, उनको आपको सर्कल करना है, 4 कॉमन है दोनों में, देन 8 कॉमन है दोनों में, देन और कोई कॉमन है क्या, नहीं, इतने ही कॉमन मल्टीपल्स है, बस हो गया। ऐसे ही सॉल्व करने हैं सब क्वेश्चंस, जो आगे के 3 दिए हैं वो आप करोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, बिल्कुल ईजी है, मल्टीपल लिख दो, कॉमन मल्टीपल में से जो छोटा वाला कॉमन है, लोएस्ट है, वो उसका एलसीएम होगा, है ना। तो देखो एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, 9 एंड 24। सो अब देखो मैंने 9 के मल्टीपल्स यहाँ पे लिख लिए 90 तक, देन 24 के मल्टीपल्स हमें लिख लिए। अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें देखते जाना है 24, देन 48 दिख रहा है कि यहाँ पे, नहीं, देन 72 दिख रहा है कि यस, मतलब ये पहला वाला लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल जाता है। लीस्ट मीन्स क्या, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो आगे हमें 24 के मल्टीपल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा चाहिए, है ना। देन नेक्स्ट है 14 और 32, इनके हम निकालते हैं 14, पहले हम 14 के लिख लेते हैं, 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28, 20 देन 43, 14 फोर ज़ा 56, 14 फाइव ज़ा 70, देन 84, देन 98, देन 100,
और 12, देन 126, 140। अब इसके आगे हमें 14 के मल्टीपल्स अगर लिखने हैं तो ये नंबर्स में 14 ऐड करते जाना है आगे के नंबर्स में, नहीं तो आप 14 इंटू 11 करो, 14 इंटू 12 करो, ऐसा भी चलेगा। ओके, सो 140 में हम 14 ऐड करते हैं तो 154 होते हैं। तो इसमें अगर हम और 14 ऐड करते हैं 154 में तो 448, देन 168 होते हैं। ओके, देन 168 में अगर हम 14 ऐड करें तो 182 होते हैं। देन 182 में अगर हम फिर से 14 ऐड करें तो 196 होते हैं। 196 में 14 ऐड करें तो हमारा बन जाता है 210। देन 210 में 14 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 224। ओके, तो यहाँ तक देखते हैं, आगे आता है क्या, क्योंकि नीचे का नंबर बड़ा है 14, 32। ओके, देन 32 के मल्टीपल्स देखो, 32 का डबल करते हैं, 32 इंटू 2 किया तो 64 आएगा, 32 इंटू 3 किया तो 96 आएगा, देन 32 इंटू 4 किया तो 4 2 8, 4 3 128 आएगा। यहाँ तक कोई दिख रहा है कॉमन मल्टीपल, 32 नहीं है यहाँ पे, 64 नहीं है, 96 नहीं है, 128 नहीं है, तो हमें आगे जाना होगा। 32 इंटू 5 किया तो 5 2 10, 1 5 3 15 और 1 160। देन 160 भी यहाँ पे नहीं है, देन इसमें फिर से हम 32 मिलाएंगे, मतलब 192 ये आता है, तो 192 भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर से हमें आगे जाना होगा 32 को लेके। 192 में 32 अगर हम मिलाते हैं तो हमारा आंसर आएगा 224। यस, मिल गए। तो 224 क्या है, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लोअर कॉमन मल्टीपल है, सबसे पहला वाला जो हमें मिलता है छोटा वाला वो। तो LCM क्या है इन दोनों नंबर्स का, 224। तो ऐसे आपको ये करना है। ओके, देन नेक्स्ट है 8 और 20। अब 8 और 20 के मल्टीपल्स पहले लिख लो, 8 और 20। अब देखो 8 के मैंने लिख लिए, देन 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो पहला वाला ही मल्टीपल हमें कॉमन दिखना चाहिए, तो कॉमन में 40 हमें मिल जाता है, तो 40 तक भी लिख के तो भी चलेगा। सो LCM ऑफ 8 एंड 20 इज 40, पहला कॉमन मल्टीपल। ऑब्जर्वेशन करो, उतने ही लिखो, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट मिल गया हो गया, अगर आपको LCM निकालने को बोला है तो। हाँ, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देखो, 9 और 15। सो 9 के आप लिख लो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 87, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। यहाँ तक देखो, आगे नंबर कौन सा दिया हमें, 9 और 15। देन 15 के देख लेते हैं, 15 देन 30 देन 45, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, मिल गया हमें LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस टू नंबर्स, पहला वाला लोअर वाला मल्टीपल, जो पहला मल्टीपल होता है उसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, उस नंबर्स का LCM। तो 45 इन दोनों नंबर्स का क्या हुआ, LCM हुआ, है ना, सिंपल। तो ऐसे आपको क्या करना है, आज ये जो एक्सरसाइज दी है इसमें से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करना है, बाकी के हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पर सेंड करने हैं। बाय।